आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को कटनी जिले के बहोरीबंद में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर सिंगल क्लिक के माध्यम से 1011 करोड़ से अधिक लागत की बहोरीबंद उद्वहन माइक्रोन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के साथ ही करोड़ों रुपए की लागत के अन्य विभिन्न विकास कार्यों का भी भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। कटनी जिले के बहोरीबंद में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। एक एक खेत तक पानी पहुँचेगा। क्षेत्र के लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि बहोरीबंद को नगर परिषद बनाया जाएगा। प्राचीन दर्शनीय स्थल रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी वाटरफॉल, वसुधा और केन नदी के उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बाबा हरिदास के नाम पर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। गाताखेड़ा, जुझारी, जमुनिया और सिजहरी जलाशय बनाया जाएगा। बेजनाला व जमुनहाई जलाशय का निर्माण और बहोरीबंद जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कटनी जिले के बहोरीबंद में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए संचालित रेस्क्यू सहित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। संबंधित विभागों को शीर्ष प्राथमिकता और पूर्ण संवेदनशीलता के साथ राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक वर्षा की संभावना है। अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएं। अतिवर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसके लिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बढ़ाई जाए और जनहानि या पशुहानि की स्थिति में तत्काल राहत दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने जनहानि पर परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ जिले के महोबिया गांव में धसान नदी के तेज पानी में फंसे दो किसानों का सफल रेस्क्यू करने के लिए टीम की सराहना की। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए दोनों किसानों से कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री जी ने खराब मौसम के बावजूद सफल रेस्क्यू करने वाली टीम को प्रोत्साहित कर पुरस्कृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया में राजगढ़ किले की दीवार ढहने से हुई अनमोल जिंदगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को समत्व भवन में पुस्तक सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ इवैल्यूएशन का विमोचन किया।